दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी सिटी जमशेदपुर के बारे में। वैसे तो ये शहर स्टील सिटी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट टाटा स्टील प्लांट स्थापित है। इस शहर को टाटानगर के नाम से भी जानते हैं। जमशेदपुर भारत का सबसे पहला प्लांट इंडस्ट्रियल सिटी और झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। इस शहर की आबादी 2011 की जनसंख्या के अनुसार लगभग 13 लाख के करीब था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जमशेदपुर के इतिहास, भूगोल, आर्थिक क्रियाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और हेल्थ के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले इस शहर के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस शहर को सबसे पहले शक्ची के नाम से जानते थे। उस समय यहाँ सिर्फ और सिर्फ घने जंगल हुआ करती थी। सर डोराब जी टाटा को ये जगह अपने स्टील प्लांट लगाने के लिए काफी पसंद आया और उन्होंने इस शहर में अपना स्टील प्लांट लगाने का फैसला किया। साल 1919 में इस शहर का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया, जो आज तक चला आ रहा है। दोस्तों जमशेदपुर झारखंड के दक्षिणी भाग में बसा हुआ शहर है, जिसका बॉर्डर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से मिलता है। ये शहर समुद्र तल से 135 मीटर ऊपर है। ये शहर 224 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। ये शहर छोटा नागपुर पठार का एक बड़ा हिस्सा है। जमशेदपुर मुख्य रूप से दालमा पहाड़ों से घिरा हुआ है, पूर्व से पश्चिम तक में फैला हुआ है। स्वर्णरेखा नदी इस शहर का प्रमुख नदी है, जो रांची से निकलकर जमशेदपुर को पार करते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। जमशेदपुर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काफी डेवलप सिटी है। ये शहर भारत का पहला सुनियोजित शहर है। इस शहर के सेंटर में टाटा स्टील प्लांट स्थापित है, जिसके किनारे पर पूरा शहर बसा हुआ है। टाटानगर रेलवे स्टेशन इस सिटी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से रोजाना सैकड़ों ट्रेनें चलाई जाती है। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसे ट्रेनें भी इस स्टेशन से चलाई जाती है। पैसेंजर्स के लिए इस स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया गया है। इसके साथ साथ यहां बस स्टैंड भी है, जहां से अलग अलग शहरों के लिए बसें चलाई जाती हैं। धनबाद, बोकारो, रांची जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 4 लेन की सड़क बनाई गई है। दोस्तों जमशेदपुर भारत का एक मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है। इसे झारखंड का इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहते हैं। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स इस शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट है। टाटा मोटर्स के प्लांट में मीडियम और हेवी व्हीकल का प्रोडक्शन किया जाता है। जमशेदपुर में एशिया का सबसे बड़ा नोवोको विस्ता कॉरपोरेशन लिमिटेड सीमेंट मिक्सर प्लांट स्थापित है। इसके अलावा यहां बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां स्थापित है। दोस्तों जमशेदपुर में आपको घूमने के लिए कई टूरिस्ट प्लेसेस और धार्मिक स्थल मिल जाएंगे। इस शहर में आपको जुबली पार्क, डालमा वाइल्ड लाइफ, डिमना लेक, मरीन ड्राइव और मिलेनियम पार्क जैसे प्रसिद्ध टूरिस्ट पैलेस है, जहां घूमने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा कई धार्मिक स्थल भी है, जहां लोग पूजा पाठ करने आते हैं। एजुकेशन के मामले में जमशेदपुर बाकी शहरों से काफी आगे है। यहाँ सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें XLRI मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत का सबसे पुराना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफी प्रसिद्ध संस्थान है। RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कारिम कॉलेज, अलकबीर पॉलिटेक्निक प्रमुख प्राइवेट संस्थान है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। जमशेदपुर में आपको बड़े बड़े सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल देखने को मिलेगा। टाटा मेडिकल हॉस्पिटल जमशेदपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी नर्सिंग होम और मेडिकल जांच केंद्र भी है। तो दोस्तों ये था जमशेदपुर सिटी के बारे में कुछ जानकारी जो आपको इस वीडियो के द्वारा जानने को मिली। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।